हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिरौती और अपहरण के मामले में आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुर्जर सहित पांच लोगों को जैतारण थाना क्षेत्र के निमाज कस्बे से लिया हिरासत में। पूरा मामला प्रदेश की राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के सरूफिद्दीन युवक को इन्होंने फिरौती की रकम बैठने की मंशा को लेकर जयपुर के मानसरोवर के पास से अपहरण कर अपनी कार में लेकर गत दिनों निमाज क्षेत्र में लेकर आए, जिन्होंने आरएलपी प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुर्जर के फार्म हाउस पर दो दिन तक रखा और उसके साथ मारपीट हुई। वहीं इस मामले में अन्य आरोपितों की जगह पर भी अलग अलग समय में रखा गया। आरएलपी प्रवक्ता रोहित गुर्जर के द्वारा दिनेश कुमावत के मोबाइल फोन से लगातार पीड़ित के परिजनों से फिरौती की रकम को लेकर बातचीत की जा रही थी। परिजनों से 15 लाख की फिरौती की मांग रखी गई और वो लोग जब पैसे देने के लिए तैयार हो गए तो इन्होंने पैसे देने और लड़के को ले जाने की बात कही। फिरौती के बाद परिजनों ने नाहरगढ़ थाना में मामला दर्ज करवाया और रकम के साथ पुलिस भी जैतारण हल्के में पहुंची, लेकिन अपहरणकर्ता लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, जिसके चलते पुलिस को परेशानी हो रही थी। स्थानीय पुलिस से संपर्क कर अपहरणकर्ताओं को बेचने का जाल बिछाया, जिसके बाद इन्होंने बढ़ते राहे पर नाकाबंदी की। रायपुर की तरफ से एक बोलेरो कार आई जिसको पुलिस ने रुकाने का इशारा किया तो वो जैतारण की तरफ भाग गई, जिसको जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने पीछा किया। निमास पुलिस चौकी के पास उनको रुकवाया गया और उनसे भागने की वजह की जानकारी ली और उनसे पूछताछ की, जिसमें ये खुलासा हो पीड़ित लड़का कहाँ है इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, इसके बाद बरामद किया गया। इसके बाद जयपुर पुलिस ने बरामद की पहली पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुर्जर निमाज निवासी दिनेश कुमावत ताराचंद जांगेट, वो बलुंदा निवासी जो हाल में निमाज पे रहते हैं, जगदीश कुमावत और झुंझुनू के दिलीप जाट को यहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले में अनुसंधान के लिए जयपुर लेकर रवाना हुए हैं। मामले को लेकर निमाज सहित पूरे जैतारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। अपहरण और फिरौती की रकम वसूलने के मामले में आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुर्जर की मुख्य भूमिका होने की चर्चा जैतारण क्षेत्र में दिन भर से चर्चा का विषय बना रहा। लोग इस मामले को लेकर तरह तरह के कयास लगाते हुए दिखाई दिए। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।